नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों, मैं आज उन किसान भाइयों के विषय में बात करना चाहता हूं जो हमारे किसान भाइयों के पास खेती बहुत कम है और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं और खेती भी बहुत ही कम है उनके पास। और खेती का जो समय होता है, वो सीजन होती है, खेती करने के बाद उनके पास समय रहता है, फिर कुछ काम नहीं रहता है दोस्तों। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं उस टाइम पे, जैसे गर्मी का समय है, तो मैं ऐसा 3-4 बिजनेस आपको बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे और कहाँ चलेगा आपके एरिया में बिजनेस, वो आपको देखना पड़ेगा आपके हिसाब से। बाजार में, गाँव में कहाँ पर चलता है वो आप देख लीजिए। तो किसान भाइयों, आप जो है गर्मी, जैसे गर्मी का महीना आया तो आप दही की जो लस्सी है, आप एक ठेलिया ले लीजिए, नहीं तो सस्ता भाड़े पे रूम मिलता है तो आप रूम की व्यवस्था भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ठेलिया बनवा लीजिए, हर जगह आपको काम आएगी वो। दही की लस्सी और छाछ और नींबू पानी, जहाँ पर रोडवेज बसें चलती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उस बाज़ार में, किसी चौराहे पे, बाज़ार पे आप खड़े हो जाइए, आप ठेलिया बनवाकर और दही की लस्सी बेचिए और छाछ बेचिए, मट्ठा का जो होता है छाछ, और नींबू पानी गर्मी के समय में बहुत अच्छा चलेगा और आपकी 2 पैसे की कमाई होगी और आपका जो खाली समय रहेगा उस समय में आप कुछ पैसा कमा लेंगे आप कुछ पैसा। तो दोस्तों और किसान भाइयों, आप इसको कर सकते हैं, कहीं पर भी बाज़ार में आप ठेलिया लगा सकते हैं और यह बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, ठंडी का महीना है तो आप जो जलेबी बनती है आप सीख लीजिए, जलेबी बनाना, जलेबी छानना, और हर दिन को कहीं ना कहीं बाज़ार लगती होगी और बाज़ार में जाइए, आप वहाँ पर जलेबी बेचिए, बाज़ार के दिन आप जाइए और वहीं पर बैठ के ताज़ी जलेबी बनाइए, ज़रूर आपकी जलेबी बिकेगी, क्योंकि जो ताज़ी गरम गरम जलेबी होती है खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और अच्छी जलेबी आप बनाइए और इस तरीके से आपका रोज़गार भी चल सकता है और 2 पैसे की आपकी कमाई भी हो सकती है। दोस्तों किसान भाइयों, आप ऐसा कर सकते हैं, छाछ का, लस्सी का, दही की लस्सी, छाछ और नींबू पानी का बिजनेस आप गर्मियों में करिए, बाकी दिनों में आप जलेबी का बिजनेस कर सकते हैं और जलेबी आप बेच सकते हैं। और आपके घर में और कोई सदस्य कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, बैठे हैं, कुछ काम नहीं है उनको, कहीं पर भी आप उनको घिमटी बनवा दीजिए जहां पर कोई चौराहा हो, और अंडे का भी बिजनेस कर सकते हो, अंडा बेच सकते हैं, अंडे का आमलेट बना सकते हैं, उबाला अंडा बेच सकते हैं और अंडे की भी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप जो है खाली समय में अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास खेती कम है और खाली समय रहता है उनके पास, वो अपना बिजनेस जो मैं बताया यह बिजनेस कर सकते हैं और इसमें अवश्य ही उनको कमाई कुछ ना कुछ हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, जिससे मैं ऐसी कोई और जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाए। मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।